परसेंट क्वेश्चन नंबर 7। छोटा सा क्वेश्चन है। कंपनी हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 1 मिलियन, 50 सेंट ऑर्डिनरी शेयर एंड एन इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ 8 लाख 50 सेंट ऑर्डिनरी शेयर। इफ एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 5% इज डिक्लेयर्ड, व्हाट इज द अमाउंट पेबल टू शेयर होल्डर। सब ये दिया हुआ परसेंटेज में ना। अच्छा, अभी 1 मिलियन शेयर्स पे देंगे या 8 लाख पे देंगे? 8 लाख पे दिया जाएगा ना, इश्यूड कैपिटल पे। 8 लाख इश्यू किए, अब ये परसेंटेज है तो पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पार वैल्यू से, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद 5%। ये कुछ सना से सॉल्व हो जाएगा। 8 लाख शेयर्स हैं, पार वैल्यू 0.5, इसकी वैल्यू आ गई 4 लाख डॉलर, और 4 लाख डॉलर का 5% लेंगे तो 20,000 का डिविडेंड आ ऑप्शन चाहिए। जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ अल्फा अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इज एज फॉलोज। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 6 लाख डॉलर, पार वैल्यू 25 सेंट, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख डॉलर, पार वैल्यू 25। अच्छा, पहले तो ये बताइए 10% जो है ये क्या शो कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर से पहले क्या फिक्स? ठीक, देखिए हमने डिफरेंस पढ़ा था ना ऑर्डिनरी शेयर्स का और प्रेफरेंस शेयर्स का। एक डिफरेंस होता है कि ऑर्डिनरी वालों का डिविडेंड फिक्स नहीं होता, प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड फिक्स होता है। तो ये 10% जो है वो उनका डिविडेंड रेट है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें हर साल 10% डिविडेंड मिले। सही। अब आते हैं, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज पेड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 6% प्रेफरेंस डिविडेंड। यानी कि टोटल डिविडेंड कितना था इनका? 10%। 10 में से 6% कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया, तो बाकी 4% ईयर एंड पर दी। अच्छा, एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 12%, ये तो इंटरिम हो गया। एट द एंड ऑफ ईयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अनाउंस्ड फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.5 डॉलर पर शेयर, व्हाट इज द टोटल डिविडेंड फॉर द ईयर। ठीक, कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, पहले तो इंटरिम कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरिम प्रेफरेंस वालों को मिल रहा है 6%। 6% हम लेंगे 3 लाख डॉलर का, तो 3 लाख डॉलर का 6% ये हमारा प्रेफरेंस का इंटरिम आ जाए। अच्छा, पहले मैंने ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी बता देता हूँ। ऑर्डिनरी का कितना डिविडेंड? 12% है। ठीक, तो 6 लाख का 12% कैलकुलेट कर लेंगे, इंटरिम डिविडेंड आ जाए। ये आ गया 72,000 डॉलर। प्रेफरेंस वालों को कितना मिल रहा है इंटरिम? 6%। तो 3 लाख डॉलर का 6% कैलकुलेट करेंगे, 18,000 डॉलर इंटरिम डिविडेंड। ये हो गया इंटरिम। अब फाइनल डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। ऑर्डिनरी वालों का फाइनल डिविडेंड कितना भी दिया हुआ? 0.5 डॉलर पर शेयर। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, अच्छा क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है, डायरेक्ट उसने वैल्यू दी है ना, तो पहले हमें ये नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना होंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हम क्या करेंगे? शेयर कैपिटल को, हाँ, शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। कैपिटल है 6 लाख डॉलर, पार वैल्यू है 25 सेंट, यानी कि 0.25, तो 24 लाख शेयर कैपिटल आ गया आपके पास। ये क्या लिखा? ऑर्डिनरी का निकल, प्रेफरेंस में तो जरूरत ही नहीं है, परसेंट ऑर्डिनरी का निकाल रहे हैं, ऑर्डिनरी का निकाल। अब बोले निकाल 6% कितने का दिए? हमने डिसाइड किया कि 2.5 दिए। तो लिया पहले, ये रहा डिसाइड किया। हम प्रेफरेंस को अपग्रेड 2.5 तो शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। फाइनल डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं। तो ऑर्डिनरी का फाइनल डिविडेंड है 0.5 डॉलर पर शेयर। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स से। अब क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है, शेयर कैपिटल दिया हुआ आपको 6 लाख डॉलर। तो इससे अब हम इसके नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। वो कैसे यहाँ कैलकुलेट होंगे? अब इसकी शेयर कैपिटल को
6 लाख शेयर कैपिटल, इसे डिवाइड करते हैं इसकी पार वैल्यू से 0.25, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 24 लाख। 24 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 डॉलर से, तो ऑर्डिनरी का फाइनल डिविडेंड आ जाएगा। तो ये आपने, ठीक, पहले हमने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए 24 लाख, और फिर नंबर ऑफ शेयर्स को रेट से मल्टीप्लाई किया, तो डिविडेंड आ गया 12 लाख डॉलर। अच्छा, फाइनल वालों को अब कितना मिल जाएगा, 4% ना? फाइनल और प्रेफरेंस, फाइनल करो, प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड था 10%, 6% हमने ड्यूरिंग द ईयर पे किया, तो ईयर एंड पे 4% पे करना होगा, तब 3 लाख का 4%, 3 लाख का 4% हो जाएगा 12,000। अब इन चारों को ऐड कर लेते हैं, 72,000, 18,000, 1,200,000 और 12,000, तो ये टोटल डिविडेंड आ जाए, डिविडेंड फॉर द ईयर आ गया 13,02,000। आज इसमें क्या दिखता है, इन द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर कंपनी हैज पेड प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर एंड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 2 सेंट पर शेयर ऑन द ऑर्डर। अच्छा, प्रेफरेंस को तो वो कह रहा है उसने एक साथ ही पे कर दिया ईयर एंड पे, बाकी ऑर्डिनरी वालों को इंटरिम कितना दिया, 2 सेंट पर शेयर, तो सिर्फ ऑर्डिनरी का इंटरिम कैलकुलेट होगा, प्रेफरेंस वालों को इंटरिम कैलकुलेट नहीं करना होगा। ऑर्डिनरी का रेट क्या है, 2 सेंट पर शेयर, और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1 मिलियन, तो 1 मिलियन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 सेंट से, ये ऑर्डिनरी शेयर का इंटरिम डिविडेंड आ जाएगा, बाकी प्रेफरेंस वालों को इंटरिम नहीं मिल रहा, ईयर एंड पर ही दे रहे हैं फाइनल डिविडेंड। ऑर्डिनरी का फाइनल डिविडेंड कितना है, 3% इज अनाउंस्ड, 3%, अब परसेंटेज है तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे शेयर कैपिटल से, तो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 1 मिलियन, पार वैल्यू 10 सेंट, तो 1 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 10.1 से, तो 1 लाख शेयर कैपिटल आएगा, तो 1 लाख का 3% देंगे, तो 3,000 फाइनल डिविडेंड आ जाए, ठीक है। तो इसमें ये ख्याल रखना है आपने कि कहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है, कहाँ पे शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड कितना है, 8% है, 8% है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे शेयर कैपिटल से, तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स है 5 लाख, इसे मल्टीप्लाई करेंगे पार वैल्यू 50 सेंट से, तो 2,50,000 डॉलर शेयर कैपिटल आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000, और उसका 8% ले लेंगे, ठीक है। तो पहले हमने कैपिटल कैलकुलेट किए 2,50,000, और उसका फिर डिविडेंड 8% आ गया 20,000, तीनों को ऐड कर लेते हैं, टोटल डिविडेंड फॉर द ईयर आ जाएगा 43,000। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन टैली कर लें, ठीक है, 10 का सॉल्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। इलेवन में देखिए, इंटरिम डिविडेंड कितना, इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5 सेंट पर ऑर्डिनरी शेयर प्लस हाफ प्रेफरेंस डिविडेंड हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। अच्छा, ऑर्डिनरी वालों को मिल रहा है 5 सेंट पर शेयर, तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ऑर्डिनरी के नंबर ऑफ शेयर्स, अच्छा 5 लाख है, 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स इशू हुए, ठीक है, तो 5 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05, पहले कौन से ऑथराइज्ड है 50,000 और 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स विद पार वैल्यू ऑफ ईच, अच्छा ये प्रेफरेंस है ना 50 के, ठीक है, इशू कितने हो रहे हैं 4 लाख है, 4 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, 20,000 आ गया आपका इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड ऑथराइज्ड पे नहीं देते, इशूड पे देते ना,
अच्छा क्या लिखे, ऑल ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव बीन इश्यू। प्रेफरेंस तो 100% इश्यू हो गए, लेकिन ऑर्डिनरी कितने इश्यू हुए हैं? 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स इश्यू, ऑर्डिनरी 4 लाख इश्यू हुए, तो 4 लाख को डिविडेंड देना होगा ना, उसका कुछ नहीं करेंगे, प्रीमियम का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिविडेंड 5 सेंट पर ऑर्डिनरी शेयर, और ऑर्डिनरी शेयर इश्यू कितने हो रहे हैं? 4 लाख, इसलिए 4 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, ये ऑर्डिनरी इंटरम डिविडेंड आ गया। जब प्रेफरेंस वालों को इंटरम कितना मिल रहा है? हाफ द प्रेफरेंस डिविडेंड हैव बीन पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो प्रेफरेंस का डिविडेंड कितना है देखें, रेट ऊपर दिया है 5%, हाफ हो जाएगा 2.5%। अच्छा उसके लिए हम पहले शेयर कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो शेयर्स हैं 50,000, पार वैल्यू 2 है, तो 1 लाख शेयर कैपिटल होगा, और 1 लाख का फिर 2.5% डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, ये पहले कैपिटल कैलकुलेट किया हमने 1 लाख का, और 1 लाख का फिर 2.5%, तो ये प्रेफरेंस का इंटरिम डिविडेंड आ गया। आप फाइनल डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं, तो ऑर्डिनरी का फाइनल कितना है? फाइनल डिविडेंड 50 सेंट पर ऑर्डिनरी शेयर इज डिक्लेयर्ड। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने इश्यू हुए थे? 4 लाख, 4 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से, ये ऑर्डिनरी का फाइनल डिविडेंड आ जाएगा $60,000। कोई पहुंचा था कि कितने पेशेंट हो? तो बाकी इंटरिम वाला प्रेफरेंस वालों को 50% ड्यूरिंग द ईयर पे किया था, तो 50% ईयर एंड पे कर देंगे, ये आ जाएगा 2,500। चारों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे डिविडेंड पेबल फॉर द ईयर आ गया 85,000। कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो किसी भी तरह से आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 12 टैली कर लें सॉल्यूशन। सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, तब ये डिविडेंड हमने कैलकुलेट कर लिया, अब इसकी एंट्रीज। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह से एंट्रीज पूछता है, तो मैंने इसमें 3 तरह से एंट्रीज बता दी किस तरह आ सकती है। अच्छा पहली एंट्री हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, अनाउंस करेंगे, तो उसकी एंट्री होगी रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेबल क्रेडिट। इसके बाद जब डिविडेंड पे करेंगे तो एंट्री होगी डिविडेंड पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट हो जाए। अच्छा अब एक और दूसरे बुक में वो डिफरेंट तरीके से रिकॉर्ड करता है इसको, क्या उसने क्या किया, इसमें एक डिविडेंड के नाम से अकाउंट बना दिया। पहले एक डिविडेंड के नाम से अकाउंट बनाया, तो जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो एंट्री क्या बनेगी? डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। अच्छा उसके बाद जब पे करेंगे तो एंट्री होगी डिविडेंड पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट, और फिर ईयर एंड पर, ईयर एंड पर वो क्या करता है कि जो डिविडेंड अकाउंट है ये क्लोज हो जाएगा, और ये क्लोज होगा कहाँ? रिटेन अर्निंग से एंड पे, यानी कि पूरे साल हम डिविडेंड पे करते रहेंगे और उसे डिविडेंड के अकाउंट में डेबिट करते रहेंगे, डिविडेंड डेबिट 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 डेबिट, और फिर ईयर एंड पे जो टोटल डिविडेंड होगा वो रिटेन अर्निंग से माइनस कर, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी फिर? रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड क्रेडिट। ठीक है, प्रॉफिट है ना, डिविडेंड कहाँ से देते हैं? प्रॉफिट से, तो पहले हमने उसको डेबिट करते करते रिकॉर्ड करते रहे, और जो टोटल डिविडेंड बना पूरे साल का वो हमने एक ही साथ रिटेन अर्निंग से माइनस कर। पहले वाली इंट्रीज में क्या था, डायरेक्ट हमने रिटेन अर्निंग से माइनस कर दिया, प्रॉफिट को अपने डिक्रीज किया। इसमें क्या, हमने डिविडेंड को अलग से रिकॉर्ड किया पहले, और फिर ईयर एंड पर टोटल डिविडेंड यानी कि इंटरिम फाइनल सब मिला के रिटेन अर्निंग से माइनस, एक एंट्रीज ये बनती है बस। अच्छा इन दोनों एंट्रीज का अगर नेट इफेक्ट देखे तो क्या आ रहा है, जैसे पहले वाली एंट्री है इसका नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? रिटेन अर्निंग डिक्रीज हो रही है और बैंक आपका डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि डिविडेंड पेएबल पेएबल से कैंसिल हुए, तो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है इस एंट्री का? रिटेन अर्निंग डेबिट बैंक क्रेडिट।
प्रॉफिट डिक्रीज, कैश डिक्रीज। अच्छा सेकंड जो हमने बनाया इसका नेट इफेक्ट देखें, पहले एंट्री में डिविडेंड डेबिट है और थर्ड एंट्री में डिविडेंड क्रेडिट, डिविडेंड अकाउंट तो क्लोज हो गया, कैंसिल। पहले एंट्री में डिविडेंड पेबल क्रेडिट है, सेकंड में डिविडेंड पेबल डेबिट है, ये भी कैंसिल, जीरो। बचा कि आपका बैंक क्रेडिट रिटेन अर्निंग डेबिट, तो नेट इफेक्ट यहां भी क्या आ रहा है, रिटेन अर्निंग डेबिट, बैंक क्रेडिट, यानी प्रॉफिट डिक्रीज, बैंक डिक्रीज। तो कुछ जगह पे डायरेक्ट एंट्री इतना भी बनाता है वो बुक्स में, एग्जाम किट में, रिटेन अर्निंग डेबिट, बैंक क्रेडिट, ये उसके नेट इफेक्ट की एंट्री हो। तो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होकर पे होगा तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, रिटेन अर्निंग डिक्रीज डेबिट, बैंक डिक्रीज क्रेडिट, ये नेट इफेक्ट। ठीक, ये तीनों कॉपी कर लें, एग्जाम में किसी भी तरह से पूछ सकता है, आ सकता है। अरे रिटेन अर्निंग आई 60।